सभी को सुप्रभात में शिष्यपाल में हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं प्रथम पर्सन पत्र जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत जितने भी कवि थे हमने उनकी सहप्रसंग व्याख्या की जैसे बिशनदेव रसो से लेकर हमने सहजोबाई तक कवित्री सहजोबाई तक मीराबाई हमने उनकी सहप्रसंग व्याख्या की हमने उनका जीवन परिचय के बारे में जाना उनके जो प्रश्न किस प्रकार से आएंगे एग्जाम में उसके बारे में हमने जाना प्रश्न आएगा जैसे मीराबाई का वियोग वर्णन कीजिए या सहजोबाई की भक्ति भावना पर निबंध लिखिए या ऐसा प्रश्न आ जाए कि रस खा रस की खान है तो आपका दावित्य बनता है कि जितने भी प्रश्न आपको बताए उन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप नोट्स के रूप में तैयार करें और अच्छी तरह से उसको अभ्यास करें। कहते ना कर्त कर्त अभ्यास जड़मति कोई सुजान रसरी आवत जात से सिंध पर पड़त निशान। तो आपने जैसे कबीरदास एक समाज सुधारक थे सिद्ध कीजिए या कबीरदास जी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए कबीरदास जी एक क्रांतिकारी पुरुष थे इस कथन पर विचार कीजिए इस प्रकार का प्रश्न आ जाए या नागमती का वियोग खंड लिखिए तो नागमती कौन थी ये मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में हमने नागमती वियोग खंड पढ़ा जो राजा रतन सेन के वियोग में 12 मासा में उनकी जो व्याकुलता बेचैनी हमने उनकी पढ़ी। राजमती कौन थी बिशनदेव में बिशनदेव की पत्नी राजमती आई मारवणी कौन थी ढोला मारूरा दुआ पावस आई गयो साहिबा बोलन लाग्या मोर तू घर कंता आवे नहीं जोबन किधरे जोर ये था ढोला मारू ढोला मारू ये लोक कथा एक सरस लोक गाथा है सिद्ध कीजिए। तो मारवणी के जो भी वियोग रूपी पद आए हैं उनको हमने अच्छी तरह से पढ़े हैं सहप्रसंग व्याख्या किए एक एक पंक्ति पर हमने अध्ययन किया है। तो आप भी जैसे प्रश्न आए मारवणी की वियोग दशा है जैसे पपैया तू चोर थाई सोच कटवास्यू राती दिनी लोर मैं जानी पीओ आईस्यू इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में ये बिशनदेव रसो है। विद्यापति को हमने कल ही पूर्ण किया है देख देख राधा का रूप अपार जैसे एग्जाम में व्याख्या पूछी जाएगी तो मैं आपको मुख्य रूप से यही अभी बता दूं कौन सी आएगी जैसे पूछने विद्यापति का नाम ले तो विद्यापति का जो व्याख्या आएगी तो देख देख राधा का रूप अपार। इसी प्रकार कबीर की व्याख्या कबीरदास जी के पद में व्याख्या पूछी जाएगी तो कौन सी पूछी जाएगी ये पूछी जाएगी कि दुल्हनिया गाओ मंगला चार हम घर आए राजा राम बरतन तन रत कर मन रत कर पंच तत् बराती राम दो दे मोहे पावने आए मैं दो बन मद माती। इसी प्रकार से हम चर्चा करें मीरा की तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इसी प्रकार कवित्री सहजोबाई की बात करें तो अब तुम मेरी ओर निहारो गुरु पूर्ण दाता ये व्याख्या पूछी जाएगी। रस खान की बात करें तो कौन सी व्याख्या आने की संभावना है मानुष हो तो वही रस खानी बसो गांव गोकुल के ग्वाल। इसी प्रकार से रस रहीम की नीति पर दो हैं रहीम के कौन सी व्याख्या पूछी जा सकती है रहीम की अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालक कहता है ऐसे पर
रहमन ऐसे प्रभु छाड़ी ढूंढत फिरे काही। इसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मावती में अगर पूछी जाए तो कौन सी पूछी जाएगी, ए रानी मन देखी बिचारी, ए नहर रहना दिन चारी, जब लग पिता कर राजू, खेल ले खेलन आजू, ये व्याख्या पूछी जाएगी। या नागमती के वियोग खंड से पूछी जाएगी तो बार बार तो व्याख्या पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा दुल्दर बाजा, धूम धाम से तू घर घन आए, सेठ दजा बगपाती दिखाए, लागी उमाग परी अब पाला, विरह काल भेजन काला, पियो सो के संदेश सड़ो, बहुत एक एक पल पढ़ा था हमने, कौन सा मलिक मोहम्मद जायसी का। हम जो पढ़ते थे ऐसा इनका वियोग वर्णन ऐसा था कि हमारी आंखों में भी अश्रु धारा आ गई थी, कि पीयूषो कहे संदेश लो, हे बोरा हे काग, सो धनी विरह धरी देख, धुआं हमें लाग, ये था मलिक मोहम्मद जायसी। ए रानी मन देखी बिचारी, ए नहर रहना बिचारी, जब लग पिता कर राजू, खेल ले खेलन आजू, पुनः सुसर हम गवन काली, कित आये सर्वर पाली। ये था मलिक मोहम्मद जायसी का, जिसमें हमने इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो व्याख्या पूछी जाएगी, इसमें हमने को करना पड़ेगा। तो हमने चर्चा की है प्राचीन मध्यकालीन काव्य के जितने भी पद है, आज हम चर्चा करेंगे अलंकार की। अलंकार पर चर्चा करेंगे, अलंकार। अब इसमें आप क्या करोगे, साथ साथ में अपने जो रजिस्टर है उस पर अंकित करोगे, तो अपने ये समझ में भी आ जाएगा अलंकार है अपने पाठ्य क्रम में, जो अपना पाठ्य क्रम है उसमें अलंकार भी है, तो अलंकार पर वैसे आपको अलंकार आते भी है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, जितने भी अलंकार है उस पर हमने चर्चा करेंगे। जैसे अलंकार इसे कहते हैं अलंकार, तो देखो अलंकार शब्द का वाचार्थ, अलंकार शब्द का वाचार्थ, अलंकार शब्द का वाचार्थ है आभूषण, आभूषण। क्या बताया, अलंकार शब्द का वाचार्थ आभूषण, और आभूषण का अर्थ है और आभूषण शब्द का अर्थ आभूषण शब्द का अर्थ शोभा बढ़ाने वाले, क्या शोभा बढ़ाने वाले, ये हुआ अलंकार का वाचार्थ आभूषण, और आभूषण का अर्थ आभूषण शब्द का अर्थ शोभा बढ़ाने वाले। तो आगे क्या है, आभूषण या गहने पहनने से, आभूषण या गहने पहनने से, पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, तन की शोभा में वृद्धि होती है, आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, अतः अलंकार अलंकार शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे, उपादान ही कहलाएंगे, ये हुआ अलंकार। क्या बताया, अलंकार शब्द का जो वाचार्थ है वो है आभूषण, और आभूषण शब्द का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले। तो नीचे भी स्पष्ट कर दिया, अतः अलंकार शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। आगे देखिए, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से,
जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, देखो कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार अलंकारों के प्रयोग से उसकी शोभा में वृद्धि होती है, देखो तो क्या बताया, अलंकार का वजह आभूषण और आभूषण शब्द का शोभा बढ़ाने वाले आभूषण या गहने पहनने से तन की शोभा है, तन का जो सौंदर्यकरण है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः अलंकार शोभा का उपादान ही कहलाएंगे। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, शोभा बढ़ती है, हम नए नए आभूषण धारण, जो महिलाएं नए नए आभूषण धारण करती है या नए नए कपड़े धारण करती है, उससे उनकी तन की शोभा है उनमें वृद्धि होती है। उसी प्रकार अलंकार है, वो कार्य में अलंकार के प्रयोग से उनकी जो शोभा है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे चले हम, एक बार ये अपने रजिस्टर में अंकित करें। अलंकार में आगे देखो, काव्य में शोभा लाने वाले या सौंदर्य प्रदान करने वाले सौंदर्य प्रदान करने वाले करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य में शोभा लाने वाले या सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। दो नंबर डालो, क्या विषय है, काव्य को अधिक आकर्षक प्रभावशाली बनाने वाले बनाने वाले साधनों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तीन नंबर में देखो, कथन या अभिव्यक्ति को विशिष्ट बनाने वाले
वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। आगे देखो क्या नंबर डाले, अभिव्यक्ति को असाधारण माने वाले अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। प्रकारों को अलंकार कहते हैं। आगे देखें, उक्ति या कथन, उक्ति या कथन विचित्र लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। विधान को अलंकार कहते हैं। क्या बताए देखो, महत्वपूर्ण है ये पांच बातें बताया है। काव्य में शोभा लाने वाले, सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य में शोभा लाने वाले या सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। दो नंबर में डाला, काव्य को अधिक आकर्षक और अधिक प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। तीन नंबर में बताया, कथन या अभिव्यक्ति को विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। फिर बताया, अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। लास्ट जो पांच नंबर है उसमें बताया, उक्ति या कथन विचित्र लाने वाले विधान को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये हुई इनकी परिभाषा अलंकार की। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार जिस प्रकार से गहने पहनने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार से काव्य की शोभा प्रदान होती है। ये था अलंकार की परिभाषा। जैसे ही दो अंक का प्रश्न पूछा जाए, अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, तो ये भी बातें अपने को पांच बातें हैं याद रहनी चाहिए। तो ये हमने फिर चलते हैं अलंकार पर आगे, एक बार ये अपने रजिस्टर में अंकित करें। आगे देखें अलंकार के प्रकार या भेद। अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार या भेद। अब बताया है कि अलंकार के प्रकार या भेद। एक नंबर में शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार आते हैं। दूसरा आता है अर्थालंकार, शब्दालंकार जहां उक्ति में, जहां उक्ति में चमत्कार, जहां उक्ति में चमत्कार या सुंदरता, सुंदरता क्या हो, शब्द पर निर्भर हो, इस पर हो, शब्द पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर हो। अब दूसरा जो अलंकार है अर्थालंकार,
कालंकार दूसरे है और कालंकार जहां उक्ति में चमत्कार जहां उक्ति में चमत्कार किसी शब्द पर निर्भर न होकर किसी शब्द पर निर्भर न होकर होकर शब्द के अर्थ पर निर्भर हो शब्द के अर्थ पर निर्भर हो निर्भर हो उसको कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार ने तो बताया कि जहां उक्ति में चमत्कार कहां पर हो शब्द पर और यहां पर शब्द के अर्थ पर ये बात है। अब आगे क्या बताया है उतारे अलंकार के भेद या प्रकार दो प्रकार बताए हैं कि एक तो ये बताया कि अलंकार का जो भेद अलंकार के प्रकार या भेद है वो शब्दालंकार जहां उक्ति में चमत्कार सुंदरता शब्द पर निर्भर हो अर्थालंकार में जहां उक्ति या चमत्कार किसी शब्द पर निर्भर न होकर कहां शब्द के अर्थ पर निर्भर हो। आगे आगे देखें शब्दालंकार कौन सा शब्दालंकार इसमें जैसे शब्दालंकार में शब्दालंकार देखें तो जैसे एक नंबर में हम डाले अनुप्रास अनुप्रास दूसरा लटानुप्रास लटानुप्रास ये नंबर में देखें पुनरुक्ति प्रकाश प्रकाश और चार नंबर में देखें यमक सलेश यमक सलेश वक्रोक्ति सात नंबर में भिक्षा ये है शब्दालंकार। और कल हम करेंगे अनुप्रास एक नंबर में अनुप्रास कल हम इस पर चर्चा करेंगे अनुप्रास की परिभाषा इसके उदाहरण। आप मेरे साथ जुड़े रहें आपको अच्छी तरह से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ में ये आपके आने वाले समय में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो अलंकार पर साथ साथ में पढ़ते रहें अनुप्रास अलंकार जैसे पहले पढ़े हुए हैं उसमें अपने थोड़ी वृद्धि करते हुए उदाहरणों में और इसमें हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार में जैसे बताया अनुप्रास लटानुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश यमक श्लेष वक्रोक्ति विपसा ये अलंकार इसमें हम चर्चा कल करेंगे अनुप्रास पर। तो आज हमने चर्चा की अलंकार की परिभाषा पर अलंकार के परिभाषा और भेद दो भेद थे शब्दालंकार अर्थालंकार। अब हमारा पहला संग्रह है शब्दालंकार शब्दालंकार में जो अनुप्रास है उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें सुरक्षित रहें पढ़ते रहें धन्यवाद।